किया जा रहा है मीटिंग के लिए, जबकि 3 महीना से लॉकडाउन था। हम लोगों को सरकार के तरफ से चावल मिला, दाल मिला, राशन कार्ड पे 1000 रुपया मिला, तो उससे हम लोगों ने खाए पिए। उसके बाद सर लोगों आके हम लोगों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि जो आप पैसा नहीं भरे हैं वो उस पैसा को इंटरेस्ट, उज्जीवन, SKS, संबंध, HDFC, बंधन, सूर्यादेव, एस बंधना, ये सब जितना भी माइक्रो फाइनेंस है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये सारे लोग हम लोगों को आके परेशान प्रेशराइज कर रहे हैं कि हम लोगों को ये पैसा भरना पड़ेगा, जबकि हम लोगों का 3 महीना से काम धंधा कुछ भी नहीं चल रहा है, हम लोगों का खाने का भी औकात नहीं है। तो अगर हम लोगों ने इस मैटर में, जितना भी गरीब लेडीज़ हैं, अगर हम लोगों सुसाइड करते हैं या हम लोगों कुछ अपने आप को कर लेते हैं तो इसका रिस्क कौन लेगा? नवीन पटनायक, नोबदास लेगा या नवीन पटनायक लेगा? कौन लेगा इसका? हम लोगों को एक ठो, हम लोगों को इसका कुछ भी फैसला चाहिए। सरकारी बेसरकारी चिंता भी आम अगस्ट मास जाक सब सरकार मोहलत दे आमर से ग्रुप आमर ग्रुप पार्टी सब अच्छा माइक्रो फाइनेंस हो कि बैंक हो जे भी हो से माने आसिक हमको घर के घर टोचर करछन कि हमको पैसा दियो आउ हमर पैसा भी जदि नहीं दबो आमे सुध पर सुध कर दबो होई कि से माने कहछन तो हमको अति लगे हम आसी जों सरकार को कहछु कि गुहारी करू जे से हमर किछि मोहलत दो न होले हमर रुर माने कर सके।